कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऊटी, वर्ल्ड फेमस, इंडिया फेमस। आज हम जा रहे हैं ऊटी। तो अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा, हम पिछले ब्लॉग में गए थे आदियोगी मंदिर और रात को हमने स्टे किया था इस होटल में। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में ऊटी के लिए, और अभी हमने सारी पैकिंग कर ली है गाड़ी में, तो अभी ऊटी के लिए हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस, अभी हमने लिया छोटा सा ब्रेक और अभी हम पी रहे हैं नारियल पानी। गाइस, अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल श्रवणा भवन में। सो गाइस, अभी हमने मंगा लिया अपना ब्रेकफास्ट। अभी हमने मंगाया प्लेन डोसा और चाय, और बहुत टेस्टी हो रहा है खाना। कर लिया और अभी हम वापस से अपने सफर पे शुरू हो गए हैं। और अभी जैसे 82 किलोमीटर से, तो अभी हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़े फ्रूट्स लेने, इधर हर तरह के फ्रूट्स हैं और बहुत ही फ्रेश अच्छे हैं। यंबद। पापा को मलयालम के नंबर्स पता है, तो पापा से पूछ रहे हैं यंबद क्या होता है। मम्मी वो दिला दो मैंगो। हाँ, आम भी ले लिया है, मसाला वाला आम। ये पकड़ियो, सब्सक्राइब कर लियो चैनल को, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ओके? अरे जा क्यों रहा है? से बहुत अच्छे फोटो आ रहे थे, तो हमने इधर थोड़ा फोटो ब्रेक लिया। पीछे आपको दिख रहे होंगे पूरे बादल, बहुत ज्यादा बादल है उधर, और हम थोड़ा इधर फोटोज भी ले रहे थे। बादलों में, तो देखो अभी हम बादलों में हैं। रोटी का रास्ता सिर्फ 18 किलोमीटर मोर है। नहीं गाइस, अभी हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन में। इधर है, हम लेंगे वो कुन्नूर से और जाएंगे ऊटी। तो हम ट्रेन से जाने वाले हैं ऊटी कुन्नूर से, तो अभी देखते हैं क्या है। जी, ट्रेन का टिकट लेने वाला काउंटर अभी 3 बजे खुलेगा, तो अभी हम इधर वेट करेंगे। तो हम सोच रहे हैं, इधर बहुत बढ़िया पार्क है। अभी हमने अंकल से पूछा था, तो उन्होंने सारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसमें जाने के लिए। ये वाली है ट्रेन, मैंने आपको दिखा दी। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पर हमें 4 बजे का वेट करना पड़ेगा। तो चलो, ये है कुन्नूर स्टेशन, इधर से जाती है ऊटी, और ऊटी लास्ट है, तो ऊटी पे जाके रुकेगी ये कुन्नूर से। सो गाइस, अभी हमें ट्रेन मिल गई है, ये रही हमारी ट्रेन, है ना माधव? हाँ। बहुत मुश्किल से मिली है हमें ट्रेन, वरना सीट सब बुक हो गई थी। ये रही ट्रेन, माँ पापा मम्मी माधव और मैं, और ये मिल गई हमें ट्रेन। तो चलो, सो गाइस, अभी हमारी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है।
बस थोड़ी देर में ही। सो गाइस अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है। और ये ट्रेन कन्नूर से ऊटी जाएगी, तो पूरा पहाड़ों में से ले जाएगी हमें। बहुत झटके लगेगी इसमें आपको। स्टॉप है और अभी हम आ गए हैं ऊटी। सो गाइस अभी हम उतर गए हैं। सो गाइस अभी हम ट्रेन से उतर गए हैं और अभी हम इधर आ गए हैं। अभी हम बस लेने के लिए आ गए हैं। दोबारा उसी स्पॉट पे जाएंगे बिकॉज हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, तो गाड़ी को लेने के लिए अब हम बस से जाने वाले हैं कन्नूर दोबारा। अभी हम ऊटी आ गए हैं। बहुत ठंड है इधर, हमने जैकेट पहन रखी है ना मम्मी? हाँ बेटा बहुत ठंड। तो अभी हम बस में जाने वाले हैं। तो चलो इसमें बस में बिल्कुल छूट नहीं कर पाया था। अभी हम आए हैं एक होटल, होटल श्री लक्ष्मी। मैं आपको इधर अंदर जाके दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हमारा डिनर आ गया है। ये रहा फ्राइड राइस, ओनियन उत्तपम, ये भी वाला ओनियन उत्तपम है। अभी हमारा पनीर डोसा आएगा एंड पनीर 65। सो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है और अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको होटल में जाके मिलता हूँ। हे गाइस दिस इज नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो रहा है 9:58। तो हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं ऊटी। कल हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे बिकॉज ट्रेन की वजह से, जब हमने ट्रेन ली थी। तो आज हम आपको ऊटी दिखाने वाले हैं, तो ये कंटिन्यूशन ब्लॉग होने वाला है। तो अभी हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं ऊटी के लिए। सो गाइस पहले अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो पास में ही इधर होटल, तो उधर चलते हैं। सो गाइस अभी हम वही होटल पर आ गए हैं, बट पापा अभी गए हैं पे एन पार्किंग में क्योंकि इधर पार्किंग नहीं है। इधर सो गाइस अभी हमने ब्रेकफास्ट में मंगाई है इडली। मादा कैसी है? बहुत टेस्टी है इडली। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, मम्मी पापा अरे रमादा। देखिए कुछ देखिए गाड़ी।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। So guys, उतरते ही इधर बारिश शुरू हो गई है और पीछे देखो पूरा टीका बगान, और अभी हम इधर ऊपर जाने भी वाले हैं, अब बारिश भी हो रही है गाइस। सो गाइस अभी हम इधर थोड़े फोटो खींच रहे हैं टीके बगान में और बहुत अच्छा है, अभी इधर बारिश भी हो रही है तेज तेज, तो ऊपर भी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। सो गाइस अभी हम आ गए टीके बगान में, पीछे देखो गाइस पूरा टीका बगान, और यहाँ देखो हाय। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। So guys, अभी हम जा रहे हैं डॉल्फिन्स पॉइंट पर, इधर से लाइक 1 किलोमीटर ही है, तो देखते हैं उधर क्या है, बट हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्लाउड्स है तो हमें दिख नहीं पाएगा, तो उधर देखते हैं। So guys, अभी हम आ गए हैं डॉल्फिन्स पॉइंट पर, मेरे पीछे तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। सो गाइस डॉल्फिन्स पॉइंट पे हमें नीचे का सारा सिटी दिखता है, तो ये एकदम टॉप पे है और इधर साइड में पूरी मार्केट है, तो ये बहुत बढ़िया जगह है। सो गाइस अभी हम अंदर आ गए हैं डॉल्फिन्स नोस में। सो गाइस ये रहा डॉल्फिन्स पॉइंट, वो यहाँ बंदर भी बैठा है, मुझे डर लग रहा है कभी कैमरा ने छीन ले, पर अभी नीचे से कोई विजिबिलिटी नहीं है। कुछ नहीं दिख रहा नीचे का। सो गाइस ये है डॉल्फिन्स नोस, बट इधर से अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत क्लाउडी हो रहा है इधर, और ऊपर भी है यही है, बस हम इधर घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं नीचे का व्यू, बट अभी नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो चलो कौन मत छोड़ देना। So guys, अभी हमने मंगाई है बहुत टेस्टी भेलपूरी, बहुत ही अम्मी है गाइस, ये देखो कुशल। So guys, अभी हमने घूम लिया है और अभी हम दोबारा जा रहे हैं गाड़ी में, और देखते हैं अब हम कहाँ जाते हैं घूमने। रास्ते में हमें पड़ गया एक सीम्स पार्क, तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं सीम्स पार्क में। सो गाइस सीम्स पार्क बहुत बढ़िया है, इधर बहुत सारी ग्रीनरी भी है। अरे रम मेरे साथ माधव। सो गाइस अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। सो गाइस नीचे देखो कितनी बढ़िया जगह है, तो हम उधर जाने वाले हैं। So guys, बोटिंग क्लोज्ड है अभी, तो ये कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद खुलेगी, बट हमें अभी जाना है बिकॉज हमें ऊटी एक्सप्लोर करना है, तो हम ट्राई करेंगे अगर ये हमें ऊटी में मिलती है तो। So guys अभी हम इधर से जा रहे हैं। So guys नीचे देखो कितनी सारी मछलियां है, और अभी हम थोड़ी पत्तियां डालने वाले हैं। सो गाइस अभी हम सिम्स पार्क से निकल लिए हैं।
और अभी हम ऊटी जा रहे हैं। सो गाइस ये देखो क्या सीन है इधर, हम ऊटी के रास्ते में अभी फिलहाल। सो गाइस अभी हम 10 किलोमीटर्स में पहुंचने वाले हैं, 7 किलोमीटर्स में ऊटी। और इधर बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है कुटूर के मुकाबले। सो गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मजा भी खूब आ रहा है। बट अभी हम जा रहे हैं बोट हाउस में बोटिंग करने के लिए। जैसे मैंने आपसे बोला था वो बहुत छोटी लेक थी, तो अब हम आ गए हैं बहुत बड़ी जगह में, ये नहर है। तो इधर हम करने वाले हैं बोटिंग, बहुत बड़ी जगह है। टिकट ले रहे हैं बोट के लिए और यही मम्मी, माधव, पापा और यहाँ मैं। इतनी सारी प्लेसेस भी है घूमने की इधर, रामेश्वरम टेम्पल टावर, ये सारी जगह है तमिलनाडु में। सो गाइस अभी हमने ले लिया है टिकट, चलते हैं। सो गाइस अभी हमने टिकट ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं पार्क में थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बिकॉज अभी बोटिंग जो है वो 1 घंटे बाद स्टार्ट होगी। तो गाइस देखो हमारी इतनी बड़ी कॉटन कैंडी। सो गाइज अभी हम ले रहे हैं स्प्रिंग पोटैटो, इधर भैया बना रहे हैं, बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है। स्प्रिंग पोटैटो बहुत, देखो वो जो है ना बहुत टेस्टी होता है ये, तो स्प्रिंग पोटैटो ले। सो गाइज अभी हमारा स्प्रिंग पोटैटो आ गया है, बहुत टेस्टी, एक बार ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, मेरे पीछे देखो हॉर्स, और माधव और मैं जाने वाले हैं। माधव हम दोनों जाएंगे ना इस हॉर्स पे, तो पापा वीडियो बनाएंगे। तो चलो कितना बैठ जाओ स्टार्ट अच्छे से पकड़ लेना। सो गाइस अभी हम हॉर्स पे बैठ गए हैं, केशव Hey
माधव केशव बहुत मजा आ रहा है गाइस। अच्छा सो गाइस अभी हमने हॉर्स राइडिंग कर ली है और अभी हम जा रहे हैं इधर से हाउस बोट हाउस से, तो अभी मैं आपको रूम में मिलता हूँ। बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस अभी हमें रूम मिल गया, तो अभी हम खोलने वाले हैं। वाओ गाइस अभी हमें रूम मिल गया है और अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, डिनर करने, तो मैं आपको वहां मिलता हूँ। सो गाइस अभी हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने, होटल आर्यास। सो जब खाना आ जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा, या मम्मी पापा माधु और मैं, तो खाना आ जाएगा जब मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइस अभी हमने मंगाया है शेजवान नूडल्स, जीरा राइस एंड गोभी मंचूरियन। सो गाइस अभी हमने खाना खा लिया और अभी हम रूम में जा रहे हैं, तो मैं आपको रूम में जाके मिलता हूँ। सो गाइस इधर सिर्फ हमें थोड़ी देर हुई है और हमें इधर के रास्ते भी थोड़े बहुत याद हो गए हैं, तो इधर हमें हम आ गए अपनी होटल में। अभी हम रूम में आ गए हैं। 3, 2, 1 ये जल की लाइट। सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।